जेम साल 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट 2 upon x + 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1, ओके, इन आर इज। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, ओके। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जो बंदा भी अगर मान लो कि आईआईटी जेम का एग्ज़ाम देने गया, ठीक है, एटलीस्ट उस बंदे को तो इतना पता ही है कि जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स होता है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। अगर उस बंदे को खाली इतना पता है वो डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये रहेगी कि पहले ये समझना है कि आप लिमिट पॉइंट्स किस सेट के निकाल रहे हो, ये पूछ क्या रहा है, बात क्या है, ठीक है। बहुत सारे बंदे ये भी गलती कर लेंगे, दे विल ट्राई टू यू नो फाइंड द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस थिंग एंड दे विल कम अप विद दिस ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा नहीं, पहले आप ये समझो कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये असल में आपको पहले ये बता रहा है कि एक ये एक फंक्शन है, ठीक है, ऑफ एक्स, राइट, इट्स अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है, रियल फंक्शन है। और आप ये अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसका डोमेन जो हमने कर दिया है दैट्स ओपन इंटरवल -1 to 1, और दैट फंक्शन इज, आई विल राइट, इट इज एक्चुअली एफ ऑफ एक्स इक्वल, आई कैन राइट इट इज वाई 2 upon x + 1। तो आपसे पहले क्या पूछ रहा है कि आप इस वाली फंक्शन की रेंज निकाल दो, ठीक है, बिकॉज दिस इज द सेट ऑफ रेंज पॉइंट्स, ओके। तो इसका क्या बोलते हैं, इसको लिमिट पॉइंट्स निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और रेंज निकालने के बाद जो ही आपके पास रेंज आएगी तो उस रेंज सेट का आप लिमिट पॉइंट्स निकाल लोगे, वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको इसकी रेंज निकालना चाहोगे तो यू कैन जस्ट गो विद दिस, इट इज़ वाई टाइम्स एक्स प्लस वन इक्वल टू, ओके, नाउ विच इम्प्लाइज वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ओके, नाउ विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपान वाई। नाउ एक्स, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्स इज गिवन, सो विच इम्प्लाइज -1 इज less than 2 minus y upon y is less than 1, क्योंकि x less than 1 है, greater than minus 1 है, तो इसका मतलब ये भी less than 1 है और greater than minus 1 है। अब आप एक एक करके इन दोनों को सॉल्व करोगे, पहले इस वाली इनइक्वालिटी को, फिर इस वाली इनइक्वालिटी को। पहले हम इसको ले रहे हैं, आप लिखोगे 2 minus y upon y is less than 1, which implies 2 minus y is less than y, which implies 2y is greater than 2, which implies y is greater than 1, ठीक है। Now जब आप ये वाली inequality लोगे, -1 is less than 2 minus y upon y, so what you will get is minus y is less than 2 minus y, okay. Now this will imply that 2 is greater than 0, right, 2 is greater than 0, which is true, but you cannot conclude anything from this. But the y is greater than 1 implies the range of our function is open interval 1 to infinity, okay. The range of this function f of x is 1 to infinity's range. Now this set is 1 to infinity. You know it's now easy that the set of limit points of this will be a closed interval 1, right? So by that, option number first is correct. Thank you.